चैनल गोलगप्पा गर्ल. आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टेकेशन ब्लॉग. आई थिंक मैं एक स्टेकेशन ब्लॉग आफ्टर एजेस डाल रही हूँ ये चैनल पे एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू होटल जहाँ पे मुझे इतने सालों से जाना था. आई एम गोइंग टू ताजमहल पैलेस इन मुंबई. मैंने वो प्लेस के बारे में इतना सुना है, इतने फोटोज देखे हैं. बाय द वे मैं वहाँ पे डाइन इन करने ऐसे काफ़ी बारी गई हूँ बट स्टे वाइज इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इवन मोर एक्साइटेड बिकॉज वी आर गोइंग टू बी स्टेइंग इन द पैलेस विंग. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी रूम टूर, वहाँ का हाई टी बूफे विच इज अपेरेंटली वेरी पॉपुलर. हम लोग ढेर सारा डिलिशियस फूड खाएंगे उसमें. वहाँ का ब्रेकफास्ट बूफे एंड लॉट्स मोर स्टफ. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू सी ऑल द डिलिशियस फूड एंड ताजमहल पैलेस. सो अभी बज रहे हैं 9:30. वहाँ पे हमारा चेक इन टाइम इज 3 PM. एक्चुअली चेक इन काफी लेट है बट हमारा प्लान ये है कि अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग टाउन जाएंगे. वी आर गोइंग टू हैव पास्ता रोल देयर. आफ्टर एजेस आई बी हैविंग पास्ता रोल एंड देन वी विल बी गोइंग एंड चेकिंग इनटू द पैलेस. पता नहीं मेरी पूरी फैमिली क्या कर रही है. फिलहाल आइए हम ब्रेकफास्ट करते हैं. फॉर ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग सम पीनट बटर ऑन टोस्ट और मॉम और प्रमोद खाने वाले हैं सम आलू का पराठा विथ सम दही. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर ब्रेकफास्ट. बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, बताओ क्या. एनी ब्रेकफास्ट और एनी मॉर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट अ नाइस चाय. सो ये फटाफट खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है एंड देन लेट्स मेक सम नाइस चाय. फॉर अ टेस्टी कप ऑफ टी यू नीड सम फ्रेश मिल्क और आज मैं यूज कर रही हूँ कंट्री डिलाइट का बफेलो मिल्क टू मेक माई चाय. वन ऑफ द रीजन्स आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद मेकिंग माई टी विद कंट्री डिलाइट बफेलो मिल्क इज क्योंकि जब भी मैं इसे चाय बनाती हूँ द चाय टर्न्स आउट टू बी सो क्रीमियर एंड थिकर. मैं रिसेंटली हैदराबाद गई थी. राइट, इफ यू गाइस हैवंट सीन माय हैदराबाद फूड सीरीज इट्स लाइव ऑन माय चैनल, गो वॉच दैट. सो हैदराबाद में आई वॉज रेविंग अबाउट द ईरानी चाय. मुझे ईरानी चाय पसंद है इज बिकॉज उसमें जो एक टेस्ट आती है मलाई की और वो एकदम ऐसा थिक मिल्क रहता है. इन जनरल उसका जो टेक्सचर होता है आई एब्सोल्युटली लव इट एंड इससे मुझे वही मिलता है एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन लविंग दिस. तो अभी बनाते हैं हमारी मलाई वाली चाय. यहाँ पे है मेरी चाय, यहाँ पर है प्रमोद की चाय और यहाँ पे मम्मी पी रही है कंट्री डिलाइट का बफेलो मिल्क. चीयर्स मम्मी. चीयर्स. पर तुम वो चाय शायद पी लिए. वैसे मैं रात को खीर पी लेनी है कल रात पीते ही नहीं. मेरी मम को ना आदत है कि दिन में एक बार ही दूध ही पीना है. कल रात को नहीं पिया तो अभी पी रही है. चलो लेट्स एंजॉय. इट्स फ्रेश बिकॉज इट हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म टू द होम विदाउट एनी मिक्सिंग. अभी हम ये पी लेते हैं. सो नाउ लेट्स लीव. आई एम रेडी. अभी पेट भी फुल है तो मस्त अभी रोड ट्रिप एंजॉय करेंगे. नवीन आता ही होगा हमको लेने. आप भी ऑर्डर करो मलाई वाला बफेलो मिल्क फ्रॉम कंट्री डिलाइट ऐप. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड गेट 100% कैश बैक ऑन योर फर्स्ट रिचार्ज. And this is Taj Mahal Palace in Mumbai. The room is so gorgeous. मैंने अभी तक ये रूम ऐसे सिर्फ फोटोज में देखा था एंड हमने लिया है सी व्यू वाला रूम. आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट द रूम टूर. जैसे ही आप एंटर करते हो राइट साइड में आ जाना है वॉशरूम. बाय द वे यहाँ पे ऐसे एरिया है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो. दिस इज जस्ट a little area before you enter the room. Let me show you the washroom. Washroom enter karte hain. Everything is white like ekdam aise marble tiles. Enter karte hi yahan pe aa jata hai sink. Oh my god, ये कितना ही ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है. दिस इज वेरी एस्थेटिक. बाथरूम्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन रिक्वेस्ट. ऑलराइट, यहाँ पे है सोप, डेंटल किट, स्यूइंग किट,
That's me. Here we have a bathtub. Look at this, guys. यहाँ पर है शावर क्यूबिकल एंड दिस इज द टॉयलेट। वॉशरूम से निकलते ही हम रूम की तरफ एंटर करते हैं, बट एंटर करने के पहले यहाँ पे एक छोटा सा वेलकम डेकोर स्टफ टाइप है, विच इज ऑल द रोजेस एंड यहाँ पर है वॉर्डरोब। लुक एट दिस, यहाँ पर है सेफ, हियर वी हैव लॉन्ड्री, स्लिपर्स, यहाँ पर है अनदर वॉर्डरोब जहाँ पे आप अपना पूरा सामान रखोगे, हियर वी हैव अ होल मिरर and this is the room. Here is the bed. The bed is huge and view bahut acha hai, right? But rukiye, main aapko view sabse last mein dikhaungi. First let me show you the room properly. Ekdam aisa maharani type feel aa raha hai. This is the bed. The bed is so comfortable. यहाँ पर है पानी, बेस्ट थिंग दे आर नॉट यूज द प्लास्टिक बॉटल्स। ये नीचे की फ्लोरिंग देखिए, इट्स द होल लाइक कार्पेट, ऐसा कोई वुडन या टाइल्स फ्लोरिंग नहीं है। ऑन दिस साइड वी हैव अवर टीवी यूनिट, सो हियर्स द टीवी। और यहाँ पे सारे QR कोड्स हैं जो आपको स्कैन करने हैं फॉर मेन्यूज, पास सर्विसेज एंड एवरीथिंग। यहाँ पे उनका मेन्यू है विच वील सी लेटर। हियर इज अ पर्सनल प्रोटेक्शन किट जिसमें आई थिंक मास्क होगा, देन हियर इज अ सैनिटाइजर, अगेन वाटर, टी सेक्शन, अभी ये खोलते हैं। So here we have all the tea, सारा यहाँ पे मसाला चाय, कॉफी, just the tea section. Here we have some more storage. Here we have fridge. फ्रिज में जस्ट मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, नथिंग एल्स। और यहाँ पर पड़ा हुआ है आई थिंक ये स्पीकर है। यहाँ पर है एक स्टडी डेस्क जहाँ पे मैं बैठ के कुछ काम नहीं करने वाली हूँ। आई एम नॉट हियर फॉर एनी वर्क, बट दिस इज अ वेरी स्पेशियस स्टडी डेस्क। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। ये एरिया मेरी सबसे फेवरेट एरिया होने वाली है। Why? Because of two reasons. So this is a nice lounge area जहाँ पे बैठ के आप आराम से मस्त चाय पी सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ पे थोड़े से फ्रीबीज हैं। ये देखिए, here we have some fruits, chocolate coated almonds और काजूस, some cinnamon sticks, some चिवड़ा। अभी आते हैं हमारे मेन पार्ट में, which is the highlight of this room, the view. Look at the view from here, the gateway of India and the sea. Mumbai is actually known for sea, right? Yeah, the Samundar or Gateway of India. I think it's one of the best views I've ever gotten from a hotel room. हम लोग अभी आ गए हैं सी लाउंज में एंड इट्स नाउ टाइम फॉर हाई टी। इफ यू गाइस डोंट नो, द हाई टी बुफे एट द सी लाउंज इन ताजमहल पैलेस इज वेरी पॉपुलर। एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, दिस ताजमहल पैलेस वाज द फर्स्ट होटल इन इंडिया जिन्होंने इंग्लिश बटलर्स को हायर किया था। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट होटल इन इंडिया जहाँ पे एयर कंडीशन रूम, बॉल रूम्स, ये सब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे। वन थिंग दैट आई टेल यू, मैं इनका मेन्यू देख रही थी एंड दे हैव अ वेराइटी ऑफ टीज, मतलब इतनी सारी चाय मिलेंगी आपको। हियर इन द बुफे यू विल फाइंड अ बंच ऑफ डिजर्ट्स, स्कोन्स, चाट, इंडियन आइटम, सैंडविचेस, सो मच स्टफ। सो लेट्स गो एंड एंजॉय योर हाई टी एंड यू नो व्हाट इज शेरी ऑन द केक, दिस व्यू। तो ये जो सी लाउंज है यहाँ पे ऐसी थोड़ी टेबल्स हैं विच फेस दिस ब्यूटिफुल व्यू, सो वी विल बी एंजॉयिंग आवर डिजर्ट्स, केक, स्नैक्स विद दिस व्यू। हाई टी में आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे कि आई थिंक मैंने अभी तक सिर्फ हाफ ऑप्शंस ही लिए होंगे। सो लेट मी शो यू एवरीथिंग दैट आई हैव टेकन, बट बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग मैं आपको बता दूं दैट देयर इज़ अ हॉट सेक्शन जहाँ पे आपको सारे हॉट स्नैक्स मिल जाते हैं। यू ऑल्सो हैव सम कोल्ड स्नैक्स लाइक ढोकला एंड ऑल। देन डिजर्ट्स में दे हैव 20 to 25 ऑप्शंस। उसके अलावा अगर आप एलर्जिक हैं या आपको अलग से कुछ डिजर्ट्स चाहिए, आपको वो सब भी मिल जाएंगे इन अ डिजर्ट टावर। लुक एट दिस, हियर वी हैव टेकन ऑल अवर स्नैक्स।
snacks. Here we have some cupcakes and here we have a bunch of desserts. यहाँ पे है हमारे चाट की assorted plate. So here we have पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, like an assorted plate which looks so cute. In fact, let's start with some पानी पूरी. So पूरी उसके अंदर मुझे थोड़े से peanuts और मूंग दिख रहा है. Oh God, I'm so clumsy right now. All right, let's take the first bite. So much. Russian pastry, madeleine, lemon tarts, fruit tarts, chicken quiche, veg puff, turkey pate and scones. Enjoy. Thank you so much. So here we have everything. So मैंने अभी just पानी पूरी का एक पीस खाया, अभी मैं थोड़ी दही पूरी खा के देखती हूँ. The दही पूरी हल्की सी सौगी हो गई क्योंकि हमने उसे ज़्यादा टाइम रख लिया था. But the dahi is so fresh. The chutney is like a burst of flavors. Let's start with our hot snacks now. So यहाँ पे हमने थोड़े से ऐसे गुजराती स्नैक्स ले लिए हैं. Here we have some टिक्की, समोसा, पनीर कोली वड़ा, a tart. Here we have some अकूरी toast. But you know, जब से मैंने ये prawns लिए हैं ना, मुझे prawns की ही खुशबू आ रही है. These prawns are tossed in some butter and herbs. Oh my god, these butter prawns are one of the best prawns I've had. The taste of butter, then herbs. The herbs are actually very fresh. Too good. Paneer koli vada. Very crispy, very fresh. Pehle layer halki si patli lag rahi thi, but khane mein ekdam barabar sa flavor aa raha hai. This is some samosa. जिसके अंदर डाला हुआ है सम मसाला एंड पीस. देर इज़ नो पटेटो बट लॉट्स ऑफ लाइक मसाला. ये ऐसा एकदम पोटली समोसा टाइप है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग समोसा विदाउट पटेटो. इट टेस्ट यमी. हियर वी हैव सम सेव पूरी. द चाट इज इनसेन. The flavors, the ingredients, so fresh. Trying some dhokla now. Okay, देखो ज़्यादा ही खट्टा लग रहा है. Here we have an aloo tikki. Usually ये रगड़ा और चटनी के साथ थी, but ये मैं ऐसे ही ले रही हूँ. मुझे रगड़ा खाने का मन नहीं हो रहा था. एकदम melt in the mouth texture. Ekdam the potatoes are cooked so much, mashed to perfection. Here we have some akuri. It's basically paneer bhurji inside toast, but toasted so perfectly. Lots of turmeric used, then tomato, coriander. Yahan pe hai hamara tower jisme there's quiche, scones. It's like proper English high tea items. So we'll start with scones. It's the first time I'm having proper scone. I have read so much about scones कि उनका टेक्सचर कैसा होता है. This just seems to be perfect. It's supposed to be unsweetened. It's made with milk, flour. Delicious. Look at our cinnamon latte. Has a smile on it. The chicken quiche is delicious. Cheese and chicken. इतने सारे desserts हैं guys कि मैं एक एक खाने बैठ गई तो रात हो जाएगी. So let me just show you. Here we have some cupcakes. Here we have some pastries, some mousse. Of all the desserts, a very simple vanilla pastry with cream and fruits on the top. टोटली अविनो. सो ये था हाई टी बुके. टेस्ट तो एकदम लाजवाब था, बट आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं. आई थिंक दैट वन फैक्टर इज़ ऑल्सो सो गुड. मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी टेस्ट में कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ गया था. मुझे डिज़र्ट्स और स्नैक्स बहुत अच्छे लगे, बट स्नैक्स से ज़्यादा मुझे डिज़र्ट्स और चाट अच्छा लगा यहाँ पे. लव इट. सो बिफोर हैविंग माई कॉफ़ी आई विल हैव ए नाइस कपकेक. लव द हाई टी. आई थिंक अभी मुझे एक बहुत अच्छी नैप लगेगी आफ्टर ईटिंग ऑल ऑफ दिस.
आर बैक इन द रूम नाउ. हाई टी के बाद हम लोग का पेट एकदम ऐसा फुल हो गया. आई थिंक आई एम गोना स्किप माय डिनर बिकॉज इट वाज सो हैवी. आई थिंक ताज की सबसे बेस्ट बात है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी. यहाँ का स्टाफ इतना वार्म है. दो तीन बारी शेफ खुद आए थे पूछने हाउ द हाई टी एक्सपीरियंस इज एंड एवरीथिंग. So kudos to that. Now we are back to our room after 2 to 3 hours. और room actually हम काफ़ी messy तरीके से छोड़ के गए थे but उन्होंने पूरा room फिर से set कर दिया and they have sent some chocolates. So यहाँ पे थोड़े और desserts आ गए जो अभी तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए. और रात के time पे view कुछ इस तरीके का है. Okay, बहुत reflection आ रहा है actually. But ऐसा gateway दिख रहा है एंड वहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वहाँ से सारी लाइट्स आ रही हैं. हाँ, समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस. हाय मॉम, कैसा लगा हाई टी? बहुत मस्त. बहुत पेट भर गया ना? नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, अ नैप. बट नैप से पहले मैं बाथटब में अच्छे से बैठने वाली हूँ. यहाँ का बाथटब इज ह्यूज स्पेशियस, सो आई एम गोइंग टू यूज द बाथटब नाउ, जस्ट रिलैक्स. और अब मैं कैमरा बंद करने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ गुड टाइम विद माय फैमिली एंड आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो. एंड यहाँ से जहाँ से हमारा व्यू है यहाँ से होता है सनराइज, सो आई विल ट्राई कैप्चरिंग सनराइज अगर मैं जल्दी उठी तो. बट इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. आई एम गोना सी यू टुमारो. बाय. गुड मॉर्निंग. तो जस्ट हम अभी रूम में आए आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट. अभी बज रहे हैं 11:30. अभी हम चेकआउट करेंगे. बाय द वे ब्रेकफास्ट वॉज डिलिशियस. कल रात को बहुत अच्छी नींद भी आई. इट वॉज अ वेरी रिलैक्सिंग स्टे ऑल टुगेदर. बट बिफोर आई टेल यू के हाउ वॉज माई स्टे ओवरऑल, लेट मी शो यू द ब्रेकफास्ट. सो दिस वॉज द ब्रेकफास्ट बुफे. मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं ब्रेकफास्ट में. द मोस्ट वॉज द लाइव सेक्शन. सो हर एक टेबल पे एक मेन्यू पड़ा हुआ था कि आप लाइव सेक्शन से क्या मंगा सकते हो. ऑब्वियसली वो ज्यादा फ्रेश था एंड आई वॉज एक्चुअली ग्लैड के इडली वॉज इन द लाइव सेक्शन. इट वॉज वेरी डिलिशियस. माई फेवरेट वुड बी द डोसा पैनकेक एंड eggs. Eggs were so delicious. I would highly recommend you try sunny side up or scrambled eggs with mushroom. Very delicious. उसके साथ हमने थोड़ा जूस ले लिया. देन वी सैट डाउन. हम लोग ने थोड़ा व्यू एंजॉय किया. It was a very nice day overall. बहुत ज्यादा मजा आया. And now coming to the price, मैं price ये सब description box में डाल दूंगी. What I'd recommend अगर आपको price जानना है ये hotel का, make my trip, go Ibibo या ताज के hotel के website पे जाइए and you check the prices. यहाँ पे ताजमहल टावर भी है एंड पैलेस भी है. वी आर स्टेइंग इन द पैलेस जो हल्का सा ज्यादा कॉस्टली है और ज्यादा लग्जूरियस है कम्पेयर टू टावर. नाउ वील बी लिविंग फॉर होम एंड जस्ट लुकिंग एट दिस गॉर्जियस व्यू. इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट स्टे. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद एनी वन हु विल एंजॉय वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन. टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल. थैंक यू सो मच फॉर लिविंग अ कॉमेंट. अगर आपको कॉमेंट शाउट आउट चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय.